Welcome back, everyone. Let's proceed to the next exercise and the concepts before we start with the questions. Let us look into the concepts. So in my opinion, even this exercise deals with the same basic things. What we did in the previous exercise is that it looks different. It's not different. It just looks different, right? So what is there? Either you'll find that it is of the form fx raised to the power n into f dash x with respect to dx. I hope you remember the integration of this. We just did it in the previous exercise. What is this? This is fx whole raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Okay. And the second one that we did was, it was f dash x upon fx with respect to dx. What was that? That was log of fx. Okay, you can still go for the next one as well, right? And we can go ahead with that. So here, in all these cases, we need to think about just one thing. Ki hum aisa fx kya lein taki f dash x hume wahan available dikhe. Jaise first question bade aasani se mujhe dikhta hai ki agar main tan x ko fx leta hu to mujhe f dash x x square x dikhta hai. To answer kya hona chahiye? Seedha seedha tan x is fx. And fx की पार 3 है, तो आंसर मुझे क्या सीधा सीधा बोलना नहीं चाहिए? Tan raised to the power 4x upon 4 plus c. Do you think it's difficult? ध्यान से देखो, बस तुम्हें ध्यान से समझना है. Tan x मैंने क्या बोला? Tan x मैंने बोला fx. Tan x को differentiate करेंगे क्या आएगा हमारे पास? x square x आएगा. तो सम साफ अवेलेबल है, ठीक है? ओके, अब सोचते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर मैं इसमें tan x को t लूंगा तो मुझे sec square, लेकिन ये तो बहुत टेंशन क्रिएट कर रहा है. एट द अदर साइड अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोच पाता हूं, ये मेरे पास sec की पावर 5x है into sec x tan x है, अब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है बड़े इजीली. क्यों? जैसे ही मैं sec x को t लेता हूं, मुझे, या फिर ऐसे समझ लो कि sec x को तुम fx सोचते हो, तो f'x क्या है? sec x into tan x. That means ये कौन सा फॉर्म है? fx की पावर n है. So what would be the answer? This would be sec raised to the power. किसी का माइक ऑन है बेटा? If you're not using it, please keep yourself on mute. Okay? So fourth question का हमारे पास आंसर बहुत आसानी से कितना आता है? sec की पावर 6 upon 6 plus c. ठीक है? तो ये बड़े आसानी से सारी चीजें होती चली जा रही हैं. अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? यहाँ तो f dash x दिख नहीं रहा. यहाँ तो f dash x दिख नहीं रहा. अब क्या करें? What can be done? कुछ सोच के बताओ कैसे होगा भाई. ये हमारे पास sec की पावर 4x है, यहाँ तो sec x को लेंगे तब भी बात नहीं बनती है, और tan x को भी लेके बात नहीं बन रही है, तो क्या करें? What can be done? ठीक है, यहाँ पे कुछ सोचते हैं, राइट? लेट्स थिंक अबाउट इट. जैसे कि यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट, यहाँ मैं sec की पावर 4x को लिखना चाहूंगा sec स्क्वायर 2x इंटू sec स्क्वायर 2x. चलेगा? लिख सकते हैं ना भाई, पार फोर है तो दो बार स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी? क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे अब मैं सोचता हूँ कि इसको मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x लिख दूँ. अच्छा, ये भी ठीक है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, है ना? ये भी चलेगा. ओके, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डीएक्स. All right, going good. अभी तक तो ज़्यादा problematic नहीं लग रहा है. इधर erase कर रहा हूँ, थोड़ी जगह चाहिए होगी. थोड़ा सा better question है ये previous questions के respect में, but कोई tension नहीं है, relax होकर के हर चीज़. Integration, specially indefinite integration, क्या देता है तुम्हें? Indefinite possibilities देता है to explore your mind and do as good as you want. ठीक है? तो देखो, इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऐसे करता हूँ, ठीक है? थोड़ी जगह create कर ले रहे हैं. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, ओके, नो टेंशन. मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो मेरे पास आ गया sec स्क्वायर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx. चलेगा? और दूसरा मेरे पास कितना आ गया? दूसरा मेरे पास आ गया tan स्क्वायर 2x into sec स्क्वायर ऑफ 2x dx. ठीक है? अब ये जो सेकेंड वाला फॉर्म है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं अगर tan x t है तो उसका f dash x कितना है?
x2 2x, हाँ साथ में 2 भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, चलेगा? आई होप यू गेट दैट पॉइंट, राइट? ये कौन सा फॉर्म बन गया, fx की पावर 2 into f'x, ठीक है, ओके, तो ये सेकंड पार्ट तो दिख रहा है, और sec square 2x, अच्छा ये याद आ रहा है कि अगर मैं tan theta को differentiate करता था तो sec square theta होता था, अच्छा तो ये हमारे पास tan 2 theta को आए करेंगे तो फिर sec square 2 theta हो जाएगा, राइट? तो realize होता है, अच्छा ये तो हमारे पास कौन सा फॉर्म है, दिस इज स्ट्रेट फॉर्म, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी tan ऑफ 2x अपॉन 2, अपॉन 2 क्यों, a डिवाइड बाय a हो रहा है ये, ठीक है, a कितना है हमारे पास, x का कोफिशिएंट, ओके, अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, सोच के बताओ, tan स्क्वायर sec स्क्वायर 2x है ना into 2, तो into 2 इसके कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम चीज आ रही नहीं आ रही है, सिमिलरली यहां पे आप ये 1 by 2 as it is रह जाएगा, और ये क्या आएगा तुम्हारे पास, अब ये हो गया fx की पावर 2 into f'x, तो क्या आएगा fx की पावर 2 plus 1 यानी कि 3, so that would be what, that would be tan of 2x whole 3 upon 3, ठीक है, plus c, so final answer, आप चाहें तो थोड़ा और simplify करके लिख सकते हैं, the choice is entirely yours, if you want, you can take tan 2x upon 2 in common, this would be 1 plus tan square 2x upon 3 plus c, that's all, ठीक है, इस तरीके से सेवंथ क्वेश्चन को हमें डील करना चाहिए था, एक बार चेक करें इसका आंसर, आओ देखते हैं सेवंथ का क्या आंसर दे रखा है, लेट्स चेक दैट, सेवंथ का दे रखा है 1 by 2 tan 2x एंड 1 by 6 tan cube 2x, आई होप कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपका भी है, राइट, बिल्कुल आप उसको ओपन करोगे तो बिल्कुल सेम ही है, राइट, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो tan x by 2 एंड tan cube 2x upon 6 आ जाएगा, ठीक है, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, so I hope you get this, right, थोड़े questions मुझे करके बताओ, जैसे कि आप मुझे ये question number 5 करके बताइए, try this question, and 8 question भी करके बताइए, मैं 2 मिनट का time देता हूँ आपको, try करके बताओ,